अरे आपके विधायक मान गए तो आज आपकी फैजोली नगर पालिका होती, सापुरा जिला होता, फैजोली में उप जिला हॉस्पिटल होता, लेकिन आपने सापुरा विधानसभा में पिछले 5 साल में जो निर्णय लिया उस निर्णय से इसको 10 साल पीछे भेज दिया। हमारे चौमू विधानसभा क्षेत्र में हम हारे हुए प्रत्याशी थे, लेकिन फिर भी हमने जो मांगा वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिया। मैं पहले चुनाव कार्य में आया था वो मेरे पिताजी का संदेश लेकर आया था, अभी जो संदेश लेकर आया हूँ वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का लेकर आया हूँ। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय चौमू में हमारी सभा करने आए थे, उन्होंने कहा कि मैं 200 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव चल रहे हैं, मैं हर विधानसभा क्षेत्र में नहीं पहुंच सकता। उन्होंने मुझे अलग से सापुरा विधानसभा क्षेत्र के लिए कहा कि आप सापुरा विधानसभा क्षेत्र में जाओ और वहां पर अपने कार्यकर्ताओं को और अपने लोगों को कहो कि सभी अशोक गहलोत बन रहे और मनीष यादव के साथ खड़े होकर मनीष यादव को वहां ज्यादा से ज्यादा वोटों से चुनाव जिता कर लाए। उस संदेश की आप लोग लाज रखना, आने वाली 25 तारीख को एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताए, राजस्थान में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनाए। आपकी ये खैरजोली मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनते ही खैरजोली नगर पालिका बनेगी। एक चीज का विशेष ध्यान रखना, 23 तारीख को साउ से बहुत ही तगड़ो, तो 24 तारीख नहीं सभा आपके घर आना आ जाइयो, क्योंकि 25 तारीख को साउ मंडोड़ो थे मनीष जी को ने 2 बार बाल बेचोरा ने रोक दिया तू, तो अब की बार 25 तारीख में तेरा फिर आ रही थे। 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताए। धन्यवाद, जय हिंद। उनको प्रेरणा देने के लिए, हम सबको प्रेरणा देने के लिए, हम सबको समर्थन देने के लिए बधाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है कोमल मोहन पुनिया जी का। अब मैं श्रीमान सतवीर जी चौधरी साहब, जो राजस्थान चुनाव परिषद के अध्यक्ष है, जिनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, आपको क्या यहाँ से बुलाए सतवीर जी चौधरी साहब और यहाँ से अपने दो सफर है। उनको प्रेरणा देने के लिए, हम सबको प्रेरणा देने के लिए, हम सबको समर्थन देने के लिए बधाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है कोमल मोहन पुनिया जी का। अब मैं श्रीमान सतवीर जी चौधरी साहब, जो राजस्थान चुनाव परिषद के अध्यक्ष है, जिनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, आपको क्या यहाँ से बुलाए सतवीर जी चौधरी साहब और यहाँ से अपने दो सफर है।